वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौआशी इस्तेहकाम को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। बोले मुल्की तरक्की के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले करना होंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में वफाक में मुनकसिम मैंडेट मिला, वफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना होगा। हमें मिलकर पहले से ज्यादा तआवुन को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान के जो इस वक्त जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला इस वक्त माशी इस्तेकामत का है, स्टेबिलिटी का है, और उसके लिए वफाक और सूबों को बहुत करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात ऐसे फैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद ना करते हों, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फैसले करने होंगे, तभी ये जो गाड़ी है तरक्की की, जमहूरियत की, ये आगे बढ़े। ये जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है उसके नतीजे में वफाक में एक स्प्लिट मैंडेट है, यहाँ पर सिंध में एक पीपल्स पार्टी को अल्लाह ताला ने फिर भरपूर मौका दिया है, पंजाब में PMLN को अल्लाह ताला ने भरपूर मौका दिया, बलूचिस्तान में एक कोलिशन गवर्नमेंट है।